हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल ईवोल्ड की एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अपना एक मेगाथीरियम बेबी मेगाथीरियम टेम किया था एंड वो 100% इम्प्रिंट हो गया था। और आज की वीडियो में मैं एक ओटर को पकड़ने आया हूँ। मेरे को इधर पानी में दिखा एक ओटर, लेवल 10 लेवल का ओटर। क्योंकि जब अपन आर्टिफैक्ट लेने जाते हैं तो अपने को काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए और इधर पहले थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी अपने को। एक रैप्टर गया, ये दूसरा गया, इनके ये अपने पास क्रॉसबो है, इसके ये भी है क्रॉसबो। थोड़ी सी इधर मैं एक बार सफाई कर देता हूँ ताकि अपने को बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि अब ऐसी ये चीज़ें बाद में डिस्टर्ब करती है ना, तब दिक्कत होती है। एंड मैं नहीं चाहता कि अपना होटल मर जाए, दैट्स व्हाई मैं एक बार इनको सफाई कर रहा हूँ। इसको भी मारना पड़ेगा। डूट, आई गॉट समथिंग फॉर यू, नाइस। यही फायदा होता है शॉर्ट गन का, किसी से डरने की जरूरत ही नहीं अपने को। इधर थोड़े से कार्नी वोवर्स हैं, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। पहले इसको मार दे दो मेरे को, मक्खी को। यप, और एक और DFO बचा है, इसको भी मार देते हैं। और कोई ये टॉर्ड हो ना, इसको भी मार दे दो मेरे को, ये बहुत इरिटेट करता है। अरे यार रिजोड़ लग गई, डैम इट, यही बोल रहा था मैं। कोई ऐसा सूट लेना पड़ेगा अपने को जब अपने को टॉपिडिटी से बचाए। मेरे को बाहर रख लेना चाहिए था अपने टैपी हारा को, क्रायोपोड में गलत रखा हुआ मैंने, अभी मदद कर देता वो अपनी। क्योंकि इनकी सबसे दिक्कत वाली बात यही लगती है मेरे को टर्ड ऑन की, ये अपने को अनकॉन्शियस दे देते ना, वो बहुत गलत चीज़ है। डैमेज तो ये जियो का दे रहा अपने को, डैमेज तो नहीं दे रहा ये अपने को ज़्यादा, बाकी जो अनकॉन्शियस देता है ना वो थोड़ा सा दिक्कत दे देती है। देखना पड़ेगा इसके लिए। आई थिंक जो टैक का आर्मर होता है ना अपना, उसमें अपने को ये ऐसे इफेक्ट नहीं दे सकते। हो गया अपना अनकॉन्शियस खत्म, एक बार खत्म हो जाए अनकॉन्शियस तो इसको भेजते हैं। क्योंकि इधर थोड़ी सी सफाई कर देंगे पहले अपन एंड फिर पकड़ेंगे उसको, ऑटर को। एंड आई थिंक ऑटर को पकड़ने के लिए अपने को फिश लगती है, फिश से टेम होता है ऑटर, फिश खिलानी पड़ती है ऑटर को। बाकी देखता हूँ मैं किधर है वो। उधर है ये, ना वी आर अवेकंड। कितनी HP है इसकी, बहुत HP थी यार इसकी तो, 200 से 300 शॉट लग गए शॉटगन के इसको। ये साइज भी तो छोटा है ना इसका, इसे ये मिस हो जाते हैं इस पे शॉट, सभी कनेक्ट नहीं होते, बड़े डाइनो पे सभी कनेक्ट हो जाते हैं। अब फिर से अनकॉन्शियस कर दिया इसने। यही बस एक चीज है जिससे मेरे को दिक्कत होती है इससे डायनो में, बाकी डैमेज का तो है नहीं कोई इसका सिस्टम।
बस हो गया अपना अनकॉन्शियस खत्म। हो गया, चलो रिलोड कर देता हूँ मैं। और अभी चलते हैं। अरे यार मैं ट्रैंक वैन ये क्या आना भूल गया। डैम डूड, ट्रैंक आना भूल गया मैं। बाकी ट्रैंक की नीड भी नहीं पड़ती अपने को, अब याद आया मेरे को, क्योंकि ये तो अपना वैसे ही टेम हो जाता है। मछली खिलानी पड़ती है इसको मार के, एंड ये टेम हो जाता है। तो मेरे को पानी में इधर मछलियाँ देखनी पड़ेगी। उम्मीद से मेरे को मिल जाएगी तब मछलियाँ, क्योंकि देखी थी मैंने मछली भी पहले। थोड़ा सा इधर ऊपर आते हैं, इधर आ गए ऊपर। उधर स्पाइन तो घूम रहा है एक। जी, कितने आएगा है? नूब है। कलर अच्छा है लेकिन इसका कलर मस्त है, बाकी नूब है। अभी तो देखा था मैंने इधर वोटर। एक तो ये पानी भी तो क्लियर नहीं है ना, ये भी तो दिक्कत है। अभी एक बार मैं टैपी हवा से देखता हूँ वापिस अपने ऑटो को। इधर मछली है, ये वाला ऑटो दिख गया। नहीं ये तो मछली है, ऑटो किधर गया फिर अपना? बेबी शावर वाटर, मैं तो इसको मार देता हूँ। देखना पड़ेगा मेरे को कहाँ गया। इधर देखा तो था मैंने ओटर, वो पिराना जो है पिराना मार देती है क्या ओटर को? रोज हो जाएगा अपना अगर ओटर मर गया तो। यार बड़ी मुश्किल से मिल जाता है एक ओटर। एक तो ये दिखते भी नहीं है ओटर। तो मेरे को थोड़ा सा गामा ऑन करके देखना पड़ेगा एक बार। ये पिराना है, वेरी जाओ वाटर बॉय, इज ही डाउन हेयर? हेस्पेरोनोसिस है ये तो। एक ही ऑटो में आया था बड़ी मुश्किल से, वो भी पता नहीं कहाँ गया। क्या को थी है उधर? ये भी है स्पिनोज़ा। उधर है क्या आगे? इधर तो ये स्पाइनो रैक्ट कर रहा है बंदो डाइनो को। सर यार मैंने देखा तो था ये गोटर,
ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या घूम रहा है इधर? एक मिनट, इसको इधर रोको और शॉटगन रखो। ये क्या चीज है? मैं तो, मेरे को इस स्पाइनर को मारने दो। कम हेयर डूड, आई विल शो यू समथिंग, गॉट ए गिफ्ट फॉर यू। हमको हल्के में मत लेना स्पाइनो, वैक्स को भेजा हमने शॉटगन के साथ। हाँ ये बॉस देखा था मैं, क्या चीज़ है ये? क्या पकड़ते हैं क्या इसको? पता नहीं क्या चीज़ है ये। कुछ देता है क्या ये? लेट मी चेक। गच्चा क्लोज, कुछ नहीं देता ये। आज तो मैं टाइम वेस्ट कर रहे अपन इसके ऊपर। देखते हैं अपने उसको, वोटर को। यार ये मक्खियां भी ना परेशान करके रख देती है। Follow me. देखते हैं अपने होटल को। यार सैड लाइफ, बहुत तो मुश्किल से मिलता है ये होटल। मैंने काफ़ी जगह पे देखा, मिलता ही नहीं है इतनी जल्दी। एक मिला तो पता नहीं कहाँ गया। इधर तो नहीं होगा वो, इधर ही देखना पड़ेगा मेरे को। इधर कहीं आसपास गया हूँ वो। पिवाना मार देती है क्या होटल को? आई डोंट थिंक सो। मारना तो नहीं चाहिए पिवाना उसको। बाकी बोल भी नहीं सकते कुछ पिवाना आज के लिए।
नहीं है भाई, गया गया ही इज गॉन, डोंट नो वेयर बट ही इज गॉन। जैसे ये टैपी हवा ऐसे उड़ सकता है ना, ऐसे कोई दूसरा डाइनो नहीं उड़ सकता। He's gone. Sad life. उठा गया अपना। ऑटो को ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम रहेगा मेरे को। देखते हैं फिर इधर कोई और मिल जाए तो अपने को ऑटो। इधर एक और स्पाइनो है, कितने स्पाइनो घूम रहे हैं इधर। ये भी नूबस्टर ही है, जितने भी स्पाइनो है सभी नूब है। इधर सबके सब नूब है। एकटीना, वैसे एकटीना अपने को पकड़नी तो है। चलो होटल नहीं तो एकटीना सही, क्या बोलते हैं। कितने अभी की है, स्टे हियर। ज्यादा हाई लेवल की तो नहीं है कटीना वैसे तो, पर इसको टेम करने के लिए आई थिंक अपने पास सामान नहीं होगा फिर अब। इसको मैं हेल्थ में पॉइंट डाल देता हूँ। टाइम कितना हुआ है, शाम का टाइम हो चुका है वैसे तो। कीप सर्चिंग फॉर वाटर। क्योंकि अगर वाटर आ जाएगा तो एक बार में दो आर्टिफैक्ट आ सकते हैं फिर अपन, वरना नॉर्मली एक बारी में एक ही आर्टिफैक्ट जा सकते हैं। चलते हैं फिर अब, और क्या ही करें, बेस पे चलते हैं अपने। मेरे को फिर से देखना पड़ेगा कोई ऑटो हो और क्या। उधर टाइटन बोवा है और पैसिवियम है। ये क्या पानी में मछली है, ये होटल नहीं है। दैट्स नॉट वाटर बॉय। ये देखो रेड लेक है, बिल्कुल लाल पानी है इसमें। ऐसे लेक्स में मिलता है होटल। होप सो मिल जाए अपने को।
उधर हनी का है भी हाई। अभी हनी तो नहीं चाहिए अपने को। लेट्स गो देन बॉय, चलते हैं अपने बेस पे। और क्या देखते हैं, अभी तक तो हो गया होगा अपना वो मैच्योरेशन कंप्लीट उसकी। थोड़ी सी बची थी, 5% की, 5% की बची थी उसकी। आई होप सो हो गई होगी अभी तक उसकी मैच्योरेशन कंप्लीट मेगाथीरियम की। अभी मछलियां ही है, पीछे क्या है, बीवर का डैम है क्या? नो इट्स नॉट बीवर डैम। इधर से बीवर ले गए थे वैसे अपन, मेरे को इधर से उनको ले जाना नहीं चाहिए था। इधर ही अगर मैं उनको डैम पे छोड़ लेता तो सीमेंटिंग पेस्ट भी प्लानिश करते रहते। अपने बेस पे अब क्या ही कर सकते हैं अपन। उधर था एक कोटर पर आई थिंक उसको मार दिया किसी ने। काफी दूर अपना बेस, तो मैं काम करता हूँ आपको बेस पे पहुंच के मिलता हूँ, ठीक है? तो गाइज अभी अपन अपने बेस पे आ गए हैं एंड उधर पीछे एक आलू की गैंग आई है, तो पहले उसको निपटाते हैं। ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, नूबस्टर हैं आलू सोर्स, तो इसलिए उनको निपटा देते हैं पहले अपने वैक्सी बॉय से। ये देखो तीन है, तीनों ही रोज लेवल के ही है, इसलिए इनको मार देते हैं ताकि जो आगे नेक्स्ट टाइम स्पोन हो थोड़ा हाई लेवल का आए। ज़्यादा हाई या भी के नहीं थे, नूबस्टर ही थे ये, निपटा दिया इनको तो अपन ने। ठीक है चलो चलते हैं। एंड क्या दिया, एक दिया, थैंक यू। एंड मैं हनी ये के आ गया था, अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल बनानी थी एंड उसके ये मैं हनी ये क्या आ गया था, इसको थो कर देते हैं। ये देखो इतना सारा हनी ये क्या गया था मैं केबल बनाने के लिए। एंड शोक डॉट रहने देते हैं, अभी लेने की टाइम कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। गामा ऑन रखना पड़ेगा अपने को। हाँ एक काम करता हूँ, मैं उसकी सैडेज बना देता हूँ मेगाथीवियम की, क्योंकि अपने को सैडेज चाहिए मेगाथीवियम की। मेगाथीवियम सीमेंटिंग पेस्ट, यार सीमेंटिंग पेस्ट देखता है इसकी सैडल में। डैम डूट, एक काम करते हैं इसकी निकाल लेते हैं सैडल 93 वाले की। इसको पहना देते हैं मेगा ए को। ये आ गई सैडल एंड अभी एक बार मैं इसकी हैजित में पॉइंट डालूंगा। पहले 10,000 की हैजित करनी पड़ेगी इसकी। थोड़ा सा इसकी फोर्स फीड करके हैजित बढ़ा देते हैं। इम्प्रिंटिंग देखो 100% इम्प्रिंट हो गया, ये इम्प्रिंटिंग 100% है इसकी। देखते हैं इसका एक बार कुछ कैसा क्या आता है। बस हो जाएगी जल्दी फुल इसकी हेल्थ। अब मैं सोचा वैक्स को भी अपन एक बार ब्रीड कर लेते हैं। कि एक वैक्स अपने को ब्रीड करके मैं देखना चाहता हूँ कितने ज्यादा का मिलेगा अपने को।
वही जो इसकी हालत कंप्लीट। एंड ये देखो जैसे उसकी 100% है ना इम्प्रिंटिंग, इसकी कितने परसेंट है, इसकी देखो 0% है इम्प्रिंटिंग। इसे ये अपना स्टैट तो ठीक है पर फोर फिट नहीं बैठता इम्प्रिंटिंग के हिसाब से। इसको 100% इम्प्रिंटिंग है, 30% डैमेज बूस्ट मिल रहा है इसको एंड 30% इसका रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए जो जो डाइनो अपने इम्प्रिंटेड है ना उन्हीं को ये के जाऊंगा मैं, जो 100% इम्प्रिंटिंग हो जाएंगे अपने उन्हीं को ये के जाएंगे, बाकी जो इम्प्रिंटेड नहीं है ना 100% उनको नहीं ये के जाएंगे। थोड़ा सा एक बार ट्राई करके देखते हैं। रैप्टर गैंग आई है तो रैप्टर गैंग से थोड़ा फाइट आ जाते हैं। मेजर डैमेज कितना अपना, मेजर डैमेज है 445 का, 455 का इसका, बढ़ गया मेजर डैमेज। टैक रैप्टर है उधर, जी जी कितने जाएगा है? डेड, ही इज सो डेड। एंड ग्रायो के साथ पंगा ले देते हैं जब ये वेक्टर तो डेड है ये। नूबस्टर ही था इसका मतलब, ये ज्यादा हाई लेवल का नहीं था, देखने तो मेरे को लेवल 14 का ही था। काफ़ी स्टर्ट हुआ है इसका, तो एक काम करता हूँ मैं मेरे डैमेज को ही मैक्स आउट करता हूँ इसका पहले, क्योंकि हेल्थ ज़्यादा नहीं जाएगी अगर मेरे डैमेज अपना अच्छा होगा तो। अब जब इसका इनके जैसे इसका 250 से 260 270 के अराउंड हेल्थ जाएगा इसका, एंड जब इसका उतना ज़्यादा जाएगा ना तो इसका मेरे डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम पे, इसलिए इम्प्रिंटिंग करने का फ़ायदा जाएगा मेरे को ज़्यादा। और इसका क्या चल रहा है अपना, इसका भी मेरे को स्टेमिना में पॉइंट डालना है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं अपन, या तो डेड डाउन को टेम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और या फिर अपना इसको वैक्सीज को टेम करेंगे। डेड डाउन के ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, तीनों ही फीमेल है, मेरे को एक मेल डेड डाउन देखना पड़ेगा तभी अपन इनका ब्रीडिंग कर सकते हैं। खाना नहीं है इन पे, खाना ये क्या आते हैं, ये रहा मैगा, लेट्स टेक इट, इतना इनफ है इसके लिए। अभी चलते हैं डेडोन के पास अपने, और मैं देखूंगा कोई ना कोई तो मैं जरूर ढूंढ लूंगा अपना होटल। ये इसका खाना हो गया, एंड इसके पास है वैसे तो इसका 28,000 का फूड हो गया है, नाइस। एंड इसका आई थिंक 30,000 का हो गया है फूड, या 30 का हो गया इसका फूड। अब मैं इसका हेल्थ में पॉइंट डाल दूंगा। एंड इसका क्या स्टेट है, इसकी हेल्थ है ज़्यादा, फूड पे डालने पड़ेंगे अभी एक बार मेरे को पॉइंट। ये फूड आ गया और इनका क्या स्टेट है, इसका भी फूड पे डालूंगा मैं अभी पॉइंट, इसका भी फूड पे डालना पड़ेगा। पहले मैं सोचता था कि इनका 15,000 का फूड इनफ है, बट मैंने एक बार ट्राई करके देखा पैसिव विंग ऑन करके तो बहुत जल्दी घट रहा था फूड का बार, इसलिए 30,000 तो मिनिमम। अगर आप डेढ़ उनको लेके जा रहे हो तो 30,000 का तो मिनिमम रखना उसका फूड, 25,000 के अराउंड हेल्थ एंड 30,000 मिनिमम, प्लस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है फूड 30 से। और ये अपने गीगा है, गीगा को भी टेम करना ब्रीड करना वैसे अपने को, मेल फीमेल दोनों अपने पे, तो इसको भी ब्रीड करना वैसे अपने को। एंड एक मेरे को ये भी देखना पड़ेगा
फीमेल ही देखना पड़ेगा मेरे को टैपिहावा, ताकि अपना टैपिहावा कभी मर जाए फ्यूचर तो अपने को दिक्कत ना आए। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।